बेसिक शिक्षकों को 31 तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। ये बड़ी जानकारी है। इन शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अपनी चल व अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इसका आदेश जारी कर दिया है, तो ब्यौरा दर्ज ना करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 31 दिसंबर तक ब्यौरा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। चेतावनी दी गई है कि अगर वो तय समय सीमा तक ब्यौरा नहीं दर्ज करवाते हैं तो चयन समिति की बैठकों में इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाएगा और जिन शिक्षकों ने अपनी संपत्ति का यानी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया उन पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। तो डिजिटल हाजिरी पर रोक के बाद अब नया फरमान आ गया है, वो ये है कि बेसिक शिक्षकों को 31 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा शिक्षकों को। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इसको लेकर बाकायदा आदेश भी पारित कर दिए हैं और ब्यौरा अगर नहीं दिया जाता अपनी संपत्तियों का तो शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें लखनऊ से। डिजिटल हाजिरी पर रोक के बाद अब एक बार एक नया फरमान फिर से जारी हो गया है। चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा अब मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों को अपलोड करना होगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इस बाबत जानकारी दी है और आदेश भी जारी किए हैं। ब्यौरा अगर दर्ज नहीं किया गया तो शिक्षकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिजिटल हाजिरी पर रोक के बाद एक नया फरमान जारी हो चुका है। बेसिक शिक्षकों को 31 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी आईएएस एसोसिएशन के नए महासचिव बनाए गए हैं। यूपीपीसीएल के एमडी आईएएस पंकज कुमार को अब नया महासचिव बनाया गया है। यूपीआईएएस एसोसिएशन के महासचिव बनाए गए हैं पंकज कुमार, ये बड़ी खबर है। यूपीपीसीएल के एमडी आईएएस पंकज कुमार को महासचिव बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं।